महाशिवरात्रि से पहले झारखंड में ऐसी भयावह घटना सामने आई जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। महाशिवरात्रि को लेकर पलामू के पांकी बाजार में लगे एक तोरण द्वार को लेकर विवाद हो गया। इस तोरण द्वार को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। इस पत्थरबाजी में पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। इस भयावह स्थिति के बाद पांकी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पूरे घटना को लेकर एक पक्ष के लोगों का कहना है कि तोरण द्वार लगाने के बाद दूसरे पक्ष ने उन्हें जबरन पकड़कर फेंक दिया। विरोध करने पर उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की। मस्जिद से पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा सड़क पर पड़े पत्थर से लगाया जा सकता है। दोनों तरफ से जोरदार पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से भी हमला किया गया। मस्जिद के बाहर की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल पंप की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। फिलहाल 3 से 4 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। एसपी का कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाया जा रहा था, उसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। फिलहाल प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है।